बेटी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तो वो काफी मुश्किल वक्त होता है, काफी भावुक कर देने वाला वक्त होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी के साथ। दरअसल इन दोनों के कलेजे का टुकड़ा यानी कि बेटी ईशा अंबानी आनंद पीरामल से शादी रचा चुकी हैं, और शादी के वक्त दोनों को ही यानी कि दोनों माँ बाप को ईशा अंबानी को भी साथ ही साथ भावुक होते हुए देखा गया। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगर। कहते हैं कि भाई माँ बाप अपनी बेटी की शादी का सपना उसके पैदा होने से ही देखने लगते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जब शादी का वक्त आता है तो माँ बाप के चेहरे पर एक खुशी होती है लेकिन दूसरी तरफ एक गम भी होता है अपनी बेटी को अपने से दूर करने का। और ऐसा ही कुछ हुआ नीता अंबानी के साथ, और उनकी बेटी को भी काफी ज्यादा दुख हुआ अपने माँ बाप से दूर जाने का। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मंडप में बैठी हुई बेटी ईशा अंबानी को देखकर नीता अंबानी यानी कि माँ नीता अंबानी कितनी ज्यादा भावुक होती हुई दिखाई दी, और इसमें कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की वजह से दोनों माँ बेटी काफी ज्यादा भावुक दिखाई दी थी। आपको बता दें कि दरअसल फेरों के वक्त, कन्यादान के वक्त मुकेश अंबानी और नीता अंबानी दोनों को ही काफी ज्यादा भावुक होते हुए देखा गया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जो फेरों के वक्त का है, जहां पर नीता अंबानी अपनी बेटी के गले लगकर काफी ज्यादा भावुक होती हुई दिखाई देती हैं, और ईशा अंबानी भी काफी भावुक होती हुई नजर आती हैं। और इसमें अमिताभ बच्चन का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने ऐसी स्पीच दी भावुक कर देने वाली जिससे वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखों में पानी आ गए। तो फिर आप भी देखिए क्या कुछ खास है हमारी इस रिपोर्ट में। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अपने मुंबई स्थित घर एंटीरिया में इकलौती बेटी ईशा अंबानी की आनंद पीरामल से शादी करवाई। आपको बता दें कि देश की सबसे महंगी शादी का जिसका हर किसी को इंतजार था वो अब हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की। देश की सबसे महंगी शादी में बॉलीवुड सितारों का मेला लगा। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारे ईशा और आनंद पीरामल की शादी में शामिल हुए थे, जिसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, सलमान खान समेत बॉलीवुड के कई और तमाम सितारे मौजूद हुए। सलमान खान भी शादी में नजर आए और उन्होंने भी शादी में काफी धमाकेदार एंट्री की। वहीं ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं। वही आपको बता दें कि एक वीडियो ऐसा भी है जो फेरों के वक्त का है, फेरों और कन्यादान के वक्त का। जी हाँ, वीडियो में सोशल मीडिया पर देखा गया है कि कैसे सभी मेहमान बैठे नजर आ रहे हैं, वहीं ईशा और आनंद की शादी हो रही है। आपको बता दें कि वहीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कन्यादान और फेरों के वक्त एक स्पीच देते हुए भी वीडियो में दिखाई दिए। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन कन्यादान का महत्व बताते हैं इस खास मैसेज में। बिग बी फेरों और कन्यादान की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि आनंद ईशा की मांग में सिंदूर भरते दिखाई दिए। फेरे पूरे होने के बाद ईशा आनंद ने नीता और मुकेश अंबानी से आशीर्वाद ले लिया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है जो फेरों के वक्त की है। फेरों में नीता अंबानी जैसे ही ईशा को गले लगाती हैं और उन्हें हग करती हैं तो ईशा की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। आपको बता दें कि माँ और बेटी एक दूसरे के गले लगकर काफी ज्यादा भावुक हो जाती हैं, और ये कहीं ना कहीं भावुक का पल अमिताभ बच्चन लेकर आते हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन फेरों और कन्यादान के वक्त एक काफी प्यारी सी स्पीच देते हैं, जिसके बाद से नीता अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों ही काफी सारा भावुक हो जाते हैं, और ईशा अंबानी अपनी मां नीता अंबानी के गले लगकर रो पड़ती हैं। आपको बता दें कि एक बेटी के लिए अपनी मां से दूर जाना ये काफी मुश्किल वक्त होता है, तो वहीं एक मां के लिए भी ये काफी ज्यादा मुश्किल वक्त होता है जब शादी के बाद उनकी बेटी उनसे अलग हो जाती है। और ऐसा ही कुछ नीता अंबानी और ईशा अंबानी के साथ हुआ। ये दोनों माँ बेटी फेरों के वक्त, कन्यादान के वक्त काफी ज्यादा भावुक हो गए। सिर्फ माँ बेटी ही नहीं बल्कि मुकेश अंबानी भी इस दौरान काफी ज्यादा भावुक होते हुए दिखाई दिए।
दिखाई दिए। अमिताभ बच्चन ने कन्यादान की जो स्पीच दी वो बाकी काफी ज्यादा भावुक कर देने वाली थी। जैसा कि आप तस्वीर में देख भी सकते हैं कि नीता अंबानी अपनी बेटी ईशा अंबानी की किस तरीके से गले लगी हुई है और ये पल काफी ज्यादा भावुक कर देने वाला था। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी ईशा अंबानी ने 12 दिसंबर को बिजनेसमैन आनंद पीरामल से शादी रचाई। जहां एक तरफ इस शादी में बॉलीवुड के कई तमाम बड़े सितारे मौजूद हुए तो वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने शादी के दौरान कुछ ऐसा किया कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को रोना पड़ गया। जी हां, शादी की एक रस्म से पहले बॉलीवुड एक्टर और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक संदेश पढ़ा। ये रस्म कन्यादान की रस्म थी। अमिताभ बच्चन का संदेश इतना इमोशनल था कि वहां बैठे सभी की आंखों में पानी आ गया। मुकेश, नीता और ईशा भी उस वक्त काफी इमोशनल हो गए। अमिताभ ने इस संदेश में लोगों को कन्यादान का महत्व बताया था। उन्होंने बताया कि कन्यादान शादी में सबसे ज्यादा इमोशनल पल होता है। कन्यादान में दुल्हन के पिता अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज, अपने दिल का टुकड़ा दूल्हे को सौंप देते हैं। अमिताभ की ये बातें सुनकर मुकेश और नीता अंबानी काफी ज्यादा भावुक हो गए और उनकी आंखों में से आंसू आने लगे। अमिताभ बच्चन ने अपने संदेश में ये भी कहा, बेटियां पिता का सबसे बड़ा धन होती हैं। कन्यादान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो परिवार भी मिलते हैं। कन्यादान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है और इस दान को करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो दुल्हन के पिता के लिए काफी कठिन होता है। लड़की का कन्यादान करने से पिता अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को अपने अच्छे कर्मों का फल भी देता है। इसी के साथ आप देखिए कि किस तरीके से मुकेश अंबानी के साथ साथ पूरे अंबानी परिवार ने दामाद आनंद पीरामल का कितना भव्य स्वागत किया। सोशल मीडिया पर शादी की कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यहां तक कि एंटीलिया को, यानी कि मुकेश अंबानी के आलिशान बंगले को किस तरीके से फूलों से सजाया गया, ये भी आप सभी को वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फिर बिना देरी किए देखिए हमारी खास वीडियो।
सभी को दिखाया कि किस तरीके से माँ बेटी जब एक दूसरे से अलग होने वाली थी तो किस तरीके से दोनों काफी ज्यादा भावुक नजर आए। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी दोनों ही अपनी बेटी की शादी होते हुए देखकर काफी ज्यादा भावुक नजर आए, तो वहीं नीता अंबानी ने और ईशा अंबानी ने, यानी कि नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी, किस तरीके से अपनी माँ के गले लगते हुए दिखाई दी है। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, लेकिन बॉलीवुड की तमाम खबरों से आप सभी जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।